नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह हमने कट किया है, जितनी लंबाई रखना है 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। 13.5 इंच की हम तैयार रखेंगे, तो 14.5 इंच ली है, 16 लिया है, 5.5 इंच आर्महोल लिया है, 6 इंच डीप ने गले का ये डिजाइन है, गले की लंबाई 11 इंच। अब इस तरह से गले का निशान निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए 1/2 इंच बाहर की तरफ और बढ़ाएंगे और इस तरह से हल्का सा नीचे 5 शेप देते हुए इसे बना लेना है। तो इस तरह से हमने देखिए निशान निकाल लिया है। अब हमें निकालना है इसे बुकरम के ऊपर, तो ये बुकरम को फैलाकर रखेंगे और पूरा निशान यहीं से इसके ऊपर हमें निकाल लेना है। तो हमने देखिए इस तरह से निकाल लिया। अब इसे पूरा निशान निकालने के बाद इसे कट कर लेना है। तो अब इस तरह से इसे कट कर लेंगे। तो हमने कट कर लिया। वस्त्र और कपड़े दोनों पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, अस्तर के लाइनिंग वाले कपड़े के जो बाहर रहेगा, उसे कट करके बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद बराबर से फोल्ड करते हुए सेंटर लाइनिंग इस पर कर लेनी है। तो ये हमने इस तरह से कर लिया। अब बाहर वाली तरफ से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह गले की पट्टी तैयार कर लेना है। उसके बाद कपड़े को लेंगे और इसके दोनों लाइनिंग को मिलाकर रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेना है। पूरे गले पर सिलाई, जहाँ से गले का निशान निकाला हुआ है वहीं से इस तरह लगा लेंगे। ये सिलाई देखिए इस तरह हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसे कट करना है। इस तरह कट कर लिया। पूरे गले पर कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ पलट लेना है और ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह गला तैयार कर लिया। अब इस पर डिजाइनें बनानी है। उसके लिए सबसे पहले देखिए हमें लेना है, इस तरह से कपड़ा ले लेंगे। चौड़ाई इसकी 6.5-7 इंच ले लेनी है और लंबाई इसकी 12-15 इंच ले सकते हैं। अब ऊपर और नीचे तरफ से इस तरह सिलाई लगा देंगे कपड़े को फोल्ड करते हुए। अब यहाँ से छोटी छोटी चुनर देते हुए इसको देखिए इस तरह से यहाँ पर पकड़ना है और पकड़ने के बाद इसको धागे से बांध लेंगे। बांधने के बाद देखिए यहाँ पर लगा दिया है, सिलाई लगा दी है। अब साइड से इस तरह से चुनटे बनाते हुए थोड़ा सा इस तरह गुलाई देते हुए सिलाई डालनी है। तो एक तरफ से डाल दी है, दूसरी तरफ भी इसी तरह बनाकर सिलाई लगा लेना है।
तो ये हमने सिलाई लगा लिया है। उसके बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे कट करके बराबर कर लेंगे। अब इस तरह से पट्टी तैयार करनी है, सीधे और तिरछे दोनों कपड़े पर लेंगे। तो पहले सिलाई लगाना है, उसके बाद इसे पलट कर सीधा कर लेना है। तो इस तरह पट्टी तैयार हुई। अब इसे कट कर लेंगे, जो सीधे कपड़े पर बनाएंगे उसको इस तरह कट कर लेंगे। 2 इंच 2 पॉइंट के लिए हमने 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा ली है। 1 इंच की हमें लगानी है फोल्ड करने के बाद। अब थोड़ा सा जो सिलाई के लिए लगेगा उतना एक्स्ट्रा ले लेनी है और इस तरह से देखिए लगाएंगे। बीच में गैप देंगे और एक बराबर से रखते हुए पूरे गले पर अब इसको लगा लेंगे। तो यहाँ तक देखिए इस तरह लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है, जहाँ थोड़ा बहुत ही कपड़ा ज़्यादा निकला हुआ है उसे कट कर देंगे। उसके बाद ये तिरछे कपड़े पर जो पट्टी हमने इसी साइज़ की बनाई है, बस तिरछे कपड़े पर लेना है। तो ये वाली गले पर लगाएंगे। तो इस तरह से इसको गले पर अब लगा लेना है। तो हमने देखिए दोनों तरफ से इसे बना लिया है। उसके बाद इस तरह से इसमें डोरी डालनी है। तो ये गोल्डन डोरी ली है और इस तरह से पूरे में डाल लेंगे। तो हमने डाल लिया। अब इसको खींच लेना है और बिल्कुल किनारे से कर लेना है, पट्टी वाली साइड से। गले वाली साइड से इसको किनारे से काट देंगे और इस वाली साइड से मोती लगेगी। तो बराबर से फैलाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पर देखिए पकड़ कर सिलाई लगा लेंगे। और अब इस तरह से आगे डिजाइनें बनानी हैं। अब दोनों पट्टी के बीच में दो दो करके मोतियाँ लगा देंगे। इसी तरह पूरे पर लगा लेना है। देखिए दोनों तरफ से हमने ये मोतियाँ लगा ली हैं। इसे लगाने के बाद अभी ये ब्लाउज का बॉर्डर निकालेंगे यहाँ से थोड़ा सा और इसको इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे। अब अच्छे से सिलाई लगाते हुए इसे लगा देना है। ये देखिए इसको इस तरह से लगा दिया। अब इस पर लटकन इस तरह से बनाकर 3 लटकन इस पर लगा देंगे। तो इसमें मोती डाल लेंगे जितनी बड़ी रखनी है। बीच वाली थोड़ी बड़ी रखेंगे और साइड की दोनों थोड़ी छोटी रखेंगे। इसी तरह करके लगा लेना है।
लटकन लगाने के बाद डिजाइन हमारा बन गया है। दोनों प्लेट इसका डाल देंगे तो इस तरह डिजाइन बनके तैयार हुआ। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।